हमारी जो पुरानी सोसाइटी हुआ करती थी उसमें जो बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनको ऐसा लगता था कि आइलैंड पे लोग लगभग दो चीजें करते हैं, पहला है हंटिंग, दूसरा है गैदरिंग। या तो वो शिकार करते हैं या फिर फल तोड़कर खाते हैं, और इससे ज्यादा उनकी कोई लाइफ ही नहीं है। लेकिन ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की आया और उन्होंने बताया ऐसा नहीं है। जैसे हम दिवाली में गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, जैसे हम ईद पे एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, वैसे भी उन लोग भी एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं पार्टिकुलर फेस्टिवल्स में, और इस चीज़ को उन लोग कुला एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो एंड टॉक अबाउट इट। What's up everybody, welcome back to my channel Pages by Sakshi Patel। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की के कुला रिंग के बारे में। जैसे कि ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए, और बाकी लोग जो कि ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की को सही तरीके से जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की के बारे में। एक्चुअली ये वो पहले बंदे थे जिन्होंने फील्ड वर्क को चालू किया। मतलब उससे पहले लोग फील्ड वर्क में उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की वो सबसे पहले इंसान है जो कि फील्ड वर्क जाकर उस पर्टिकुलर प्लेस में जाना और वहाँ पर चीज़ों को देखना, समझना, वहाँ पर एक दो साल तक रहना, चीज़ों को नोट करना, ये ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने चालू किया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है, जिसका मतलब है कि खुद लोगों के साथ मिलजुल कर रह के पार्टिसिपेट करना पर्टिकुलर थिंग में, रैदर देन दूर से खड़े होकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना और लिखना, उससे अच्छा कि उनके जैसे बन जाओ, उनके तरीके से बात करो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने चालू की। उसके बाद से जो मेन चीज़ जो उनके बारे में पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, वो है कुला रिंग के बारे में। अब ये कुला रिंग है क्या चीज़, आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसे कि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, दिवाली, होली, न्यू ईयर, अगर शादियां होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो उसके बदले में इन रिटर्न आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं लोगों के लिए। मतलब कि अगर कोई हमें गिफ्ट दे रहा है तो घर से बहुत ज़्यादा साड़ियाँ वगैरह बटती है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए ड्रेसेस भेजे जाते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ एक्सचेंज सिस्टम, जो कि सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम होता है। इसी को जो आइलैंड में होता है उसका नाम कुला एक्सचेंज रखा गया है ना। ऐसा नहीं कि ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने ये टर्म दिया, वहाँ पर ये शुरुआत से चलता आ रहा था। इनने पॉपुलर बनाया, अपनी कौन सी बुक में पॉपुलर बनाया, तो उस बुक का नाम था एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, जिन्होंने 1922 में लिखी। प्लस वो कौन से आइलैंड था जहाँ पर ये चीज़ हो रहा था, तो वो था, फील्ड वर्क कर रहे थे वो टोब्रियन आइलैंड में। कुला एक्सचेंज को कुला रिंग भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जितना आसानी से मैं बता रही हूँ उतना आसानी से होता नहीं है। पूरा ये सर्कल की तरह होता है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में पूरा इस तरीके से घूमता है ना, तो इसीलिए इसको कुला रिंग रखा गया। इसका नाम कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, उतना समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका मतलब होता है एक्सचेंज सिस्टम। मार्सल मॉस ने अपनी बुक द गिफ्ट में कुला रिंग के बारे में मेंशन किया। अब ये जो गिफ्ट है ना, ये बहुत ही वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब कि बहुत ही महंगी नहीं होती है कि डायमंड की बनी हुई है और गोल्ड की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, मतलब ये इमोशंस इसमें बहुत होते हैं। मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ा सा आदमी है, बड़ा सा आदमी इन द सेंस कि सपोज कोई सेलिब्रिटी है ना, और हम उन्हें कितनी भी महंगी चीज़ दे दें, उनके पास तो सब कुछ है, तो उनके लिए वो वैल्यूएबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम उनके लिए कार्ड बनाएं, ग्रीटिंग्स लिखें, तो वो उसको संभाल के बहुत अच्छे से रखते हैं। तो ये गिफ्ट क्या है, वैल्यूएबल होनी चाहिए खुद में, इस तरीके की चीज़ है, भले वो उतनी महंगी नहीं रहे लेकिन वैल्यूएबल ज़रूर रहे। इससे होता क्या है, कुला एक्सचेंज समझ लिया, पढ़ लिया, लेकिन इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जो सोशल रिलेशंस और कनेक्शन जो होते हैं ना, वो बहुत सही बन जाते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं और आपको वो बदले में गिफ्ट रहते हैं, तो हम उसे एज अ मेमोरी रख लेते हैं और बहुत साल तक हमारे पास रहती है। तो ये आइलैंड में, टोब्रियन आइलैंड में लोग ऐसा करते हैं। पहले क्या होता था कि लगभग ना लोग सोचते थे कि जो आइलैंड के लोग हैं, ट्राइब्स जो हैं, ये पर्टिकुलरली हंटर्स एंड गैदरर्स वाले काम होते थे। मतलब कि किसी को शिकार कर लिया, फल तोड़ के खा लिए, इससे ज़्यादा उनकी कोई लाइफ नहीं है। लेकिन ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने बताया कि नहीं, उनकी लाइफ बहुत है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स चीज़ें हैं वहाँ जानने को, और कुला एक्सचेंज उसमें से एक चीज़ है। अब आगे हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं कि कुला एक्सचेंज का जो एक गिफ्ट है ये किस तरीके का रहता है।
तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक गिफ्ट चलता है जिसका नाम है शेल डिस्क नेकलेस। ये एक नेकलेस रहता है जो कि शेल डिस्क से बना हुआ होता है। अपनी भाषा में उसे उन लोग शोलावा और वेगुन कहते हैं और कुछ इस तरीके का दिखता है जो मैंने पिक्चर बनाए हैं। बेस्ट पॉसिबल पिक्चर मैं जो बना सकती थी वो मैंने बनाया। आप लोग नेट में सर्च कर सकते हो, कॉपीराइट इशू हो जाता है इसलिए मैं पिक्चर्स वगैरह नहीं डालती। सदन में उन लोग एक गिफ्ट देते हैं कुल एक्सचेंज में जिसको शेल आर्म बैंड्स होते हैं। आपने बहुत सारे राजस्थानी लोगों को देखा होगा कि अपने आर्म्स में वो जो औरतें रहती है ये पहनती है आर्म बैंड्स, ठीक है, उसको क्या बोलता है डोंट नो, तो अपने भाषा में उन लोग उसको मवाली बोलते हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, कुला ऑब्जेक्ट जो रहता है ये 9 लेवल्स के ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, मतलब वैल्यूएबल, फिर उससे थोड़ा और नीचे का, ऐसे 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 करके पूरा 9 लेवल में चलता है। और बहुत सारे लोग ना मेमोरीज रखते हैं डेथ के, मैजिक के, पॉइजनिंग के, ये सारी चीज़ें। 18 आइलैंड्स यू कैन से जहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, मैसिम आर्किपेलेगो, टोब्रियंड आइलैंड, इस यहाँ पर पूरा कुलेक रिंग जो है ये चलता है। ओके, बहुत सारा आइलैंड है, उसमें से टोब्रियंड आइलैंड और मैसिम आर्किपेलेगो कुछ है आइलैंड है, और बाकी के 16 आइलैंड और भी हैं। जैसे कि हम लोग दिवाली से पहले दिवाली की सफाई करते हैं, होली से पहले कुछ चीज़ करते हैं, फिर उसके बाद कुछ होता है, वैसे ही कुला सीज़न भी होता है वहाँ पर, जिसके लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं। लोग 100-100 माइल्स चल के आते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है सबको, ऐसा उन लोग बताते हैं। और मेन बात यह है कि यहाँ पर लोग एक परमानेंट कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं एक्सचेंज सिस्टम के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कुला रिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, वो कौन से टॉपिक्स है जो कि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।